We'll make a new tomorrow. दोस्तों मैंने इसमें जो नीडल यूज़ किया है वो RS5, मेरे पास इसमें कार्टेज नीडल नहीं था, और फिर RL5 है एंड कर्व मैग्नम 9 है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कार्टेज में RS5 नहीं था इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पाया। तो चलिए सुबह, और ये है मेरा ग्रे वॉश का शर्ट, बस मैंने पानी रखा हुआ है स्टाइल वाटर। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास रेफरेंस इमेज है और इसी रेफरेंस इमेज को देख के हमें ये पोर्ट्रेट बनाना है। तो दोस्तों आज हमें ये पोर्ट्रेट बनाने आ रहे हैं। मेरे पास ये मोबाइल में रेफरेंस इमेज है, इसी इमेज को रेफरेंस लेके हमें ये इमेज बनानी है। ये स्क्रीन शॉट है, फिर भी काफ़ी अच्छा तक है इसका इमेज। सो मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर आप ये टैटू क्यों बनवाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारा ये बेटा है। सब तो अपने बेटे की बनाते हैं, लेकिन बनवाना क्यों चाह रहे हैं? क्या आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं? क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो मेरे को कई दिन से कह रहे थे, सर कोई ऐसा वीडियो बनाओ जैसे आप मुझे काम करते हुए नज़र आएँ। तो मैंने इस वीडियो में पहली बार मैंने अपना काम करते हुए दिखाया कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। और सॉरी फॉर बैड कैमरा एंगल, हो सकता है कि कैमरा एंगल सही नहीं, क्योंकि मैं टैटू बना रहा हूँ और कैमरा जो है किसी और ने संभाल रखा है, और मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का वो वीडियो शूट करेंगे। मैंने सब कुछ उनके ऊपर डाल दिया है, तो जैसा भी होगा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास खुद का कोई अपना स्टैंड नहीं है अलग से, मैं एक सिंपल स्टैंड एक ले रखा है, उसी से मैं वीडियो जितने भी शूट करता हूँ और मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ। तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है जो मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर सके, तो इसलिए थोड़ा कैमरे का आप व्यू थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी देखिएगा वीडियो किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। फिलहाल ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं कभी कोशिश करूँगा कि कोई बढ़िया से ट्यूटोरियल आपको दे सकूँ ताकि आप कुछ सीख पाएँ। वीडियो को देखते रहिएगा किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी आपको थोड़े बहुत आइडिया मिल ही जाएंगे तो किस तरीके से मैं काम करता हूँ। मैंने मोस्टली जो ज़्यादातर जो टेक्निक्स है वो पेंडुलम जो है वो मैंने पेंडुलम स्टाइल का मोस्टली जगह यूज़ किया हुआ है, और कई जगह मैंने वेव सीडिंग भी यूज़ की है, बहुत कम जगह वेव यूज़ की है, लेकिन वेव सीडिंग भी मैंने कई जगह यूज़ की है। पेंडुलम स्टाइल मैंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है क्योंकि पेंडुलम जो है उससे सॉफ्ट शेडिंग बहुत आसानी से आ जाती है, तो मैंने पेंडुलम का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो मैंने कई टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल किए हैं जो कि आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखते रहिए वीडियो को और इन्जॉय कीजिए, लास्ट में इसका फाइनल रिजल्ट देखिएगा कैसा है, और वीडियो कैसा लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है इस तरह का मैं फ्यूचर में कोई बढ़िया से ट्यूटोरियल आपको जरूर दूंगा। पूरे पोर्ट्रेट में जो शेडिंग है वो बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि इस भी फ़ोन से खींचा गया है, उसका जो ब्यूटी वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इस
इसमें हाईलाइट किया गया, इसकी वजह से फोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, इसमें शेडिंग बहुत कम नज़र आ रही है। फिर भी मैं अपने हिसाब से शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, स्पेशली हाथों में और फेस में बहुत ही कम शेडिंग नज़र आ रही है पिक्चर के अंदर। जो रेफरेंस इमेज में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने हिसाब से इसमें शेडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं स्केचिंग करता हूँ तो इससे थोड़ा मुझे आइडिया है कि किस तरीके से हम शेडिंग दे सकते हैं। अगर आप स्केचिंग करते हैं तो आप वैसे भी आप खुद भी शेडिंग दे सकते हैं, इसलिए अगर आपने रियलिस्टिक या कोई पोर्ट्रेट टेक्निक होना तो वो शेडिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आइज़ पर मैं लाइनर से काम कर रहा हूँ, लाइनर भी बहुत कम पैसे के साथ कर रहा हूँ, ज़्यादा पैसे से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये आइज़ जो है अलग से ही चमकेगा, तो हमें इतना डार्क भी नहीं करना है कि वो अलग से चमके। हमें रियलिस्टिक लुक देनी है तो हमें ज़्यादा डार्क पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आँखें अलग से चमकेगी, उसकी लाइन अलग से चमकेगी तो बहुत ही बेकार लगेगा, तो हमें ध्यान देना है। दूसरा, ये डार्क स्किन भी है, डार्क स्किन पर हमें ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा शेड्स नहीं दे सकते, लेकिन हम लाइट और फेयर स्किन होती है उस पर हम शेड्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें हम अलग अलग लेवल पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर डार्क स्किन है तो डार्क स्किन में हम ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, ज़्यादा डिटेल देंगे तो हमें दिक्कत आती है, वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी ही दूर में 5 शेड दे दिए या 3 शेड दे दिए तो वो डिटेलिंग नहीं आ पाएगी।
अब मैं हेयर्स पे काम कर रहा हूँ, हेयर्स में भी जो है रेफरेंस इमेज में हेयर्स में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे अपने हिसाब से हेयर्स बनाने पड़ रहे हैं। और एक्चुअल में बच्चे के सिर में ज़्यादा बाल नहीं है, खासकर स्पेशली माथे पे तो बहुत ही कम बाल है, इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूँ। और ज़्यादा डिटेलिंग ना देखे फिर भी मैं काफ़ी हद तक मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि हेयर्स नज़र आए और विजिबिलिटी बनी रहे और लुक भी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा ध्यान से काम करना है यहाँ पर। हम कभी भी जब हेयर्स पे काम करते हैं तो मेनली हमें शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि शेडिंग से ही असली हेयर्स की जो लुक आती है उसी से अच्छी आती है। हमें ज़्यादा आउटलाइनिंग पे ध्यान देना नहीं होता है, आउटलाइनिंग हमें मेनली सिर्फ एक छोटी सी डिटेल देने के लिए होता है। मेनली जो डिटेल आती है वो शेडिंग की वजह से आती है, शेडिंग की वजह से ही इसमें हेयर्स का सही डिटेल बताता है, क्योंकि लाइट एंड डार्क का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, शेडोज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
किस तरीके से आप काम करना है। स्केचिंग करने पे खासकर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, तो पोर्ट्रेट पे आप स्केचिंग पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हेयर्स पे काम करते समय फ्लो का हमें मेनली ध्यान रखना होता है, क्योंकि किस तरीके से कहाँ से उसका फ्लो बन रहा है हेयर का, हमें उसी डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करना है, उसकी आउटलाइनिंग करनी होती है। आउटलाइनिंग भी जो है हमें डार्क और लाइट के हिसाब से करनी होती है, ये नहीं कि आपने शुरू से के लास्ट तक जो उसका डार्कनेस है सेम ही रखना है। ध्यान रखना है कि किधर से लाइट होना चाहिए, किधर से डार्क होना चाहिए, किधर से शुरू हो रहा है, हमें फ्लो का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आप फ्लो का पूरा ध्यान रखेंगे और उसके बाद शेडिंग का ध्यान रखेंगे तो जो हेयर्स है उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अभी मैंने हेयर्स पूरी कंप्लीट नहीं किया, हल्की हल्की शेडिंग करके छोड़ दी, अभी फाइनल वर्क हेयर्स में बाकी है। उससे पहले मैं ईयर पे काम कर रहा हूँ, ईयर पे फिलहाल मैं लाइनर से काम कर रहा हूँ, लाइनर से हल्की हल्की शेडिंग ले रहा हूँ। तो आप मैग्नम से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो बारीक डिटेल्स हैं वो मैं लाइनर से ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं मैग्नम से काम कर सकूँ। कभी भी आप फेस पे शेडिंग करते हैं, स्पेशली शेडिंग कहीं भी करते हैं, तो पहले आपको लाइट से यूज़ करना चाहिए, लाइट से शेडिंग करनी चाहिए। अगर लाइट टोन से आप काम कर रहे हैं तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं लगेगा भी तो आप उसको मेकअप कर पाएंगे। लेकिन आप डार्क से स्टार्ट करेंगे और हल्की सी भी कहीं भी मिस्टेक हुई, कहीं भी एक्स्ट्रा डार्क हो गया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी आप शेडिंग कर रहे हैं स्पेशली रियलिस्टिक में, तो हमेशा पहले लाइट टोन से स्टार्ट कीजिए, ताकि अगर कहीं से आपकी गलती हो रही है, अगर स्पेशली बिगिनर से गलती हो रही है तो वो उसको मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले ही डार्क हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो रेफरेंस इमेज है उसके अंदर नोज़ के पास बिल्कुल भी शेडिंग नहीं दिख रही है, लेकिन हम अगर टैटू में शेडिंग नहीं करेंगे तो बाद में जो हील होएगा, हील होने के बाद जो है वहाँ पे अजीब सा लगेगा दिखने में, क्योंकि बिना शेडिंग के नोज़ नज़र ही नहीं आएगा और बहुत ही अजीब सा लगेगा हील होने के बाद, इसलिए वहाँ पे शेडिंग देना ज़रूरी है। वैसे भी वो डार्क एरिया है, अगर आप लाइट का देखेंगे कि लाइट का सोर्स किधर से आ रहा है, तो उस आप देखेंगे जो बच्चे का राइट चीक है वहाँ पे थोड़ा डार्क शेड है, तो हमें उस हिसाब से भी काम करना है, हमें लाइट के सोर्स के हिसाब से भी काम करना है। दोस्तों बन गया है मेरा ये टैटू और बहुत ही शानदार हो गया है, उसको सफाई करके दिखा रहा हूँ मैं, देखिए किस तरीके से लुक आता है। ये इसका फाइनल लुक।